दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुबह कैसे जल्दी उठा जाए। सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो दोस्तों मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में जानकारी के लिए मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके सुबह उठने के फायदे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका सुबह जल्दी उठने का कि आप जल्दी उठें। अब आप बोलेंगे ये क्या तरीका है, दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों सुबह जल्दी उठने का यही तरीका है कि आप जिस दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं उस दिन आप जल्दी उठें। अब मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए देखा है कि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात में जल्दी सोना होगा। दोस्तों ये सही बात है, लेकिन जो पहली बार सुबह जल्दी उठना चाहता है तो वो पहली बार रात में जल्दी नहीं सो सकता है, क्योंकि उसको रात में सोने की जो आदत है 10:30, 11:30, 12 बजे, तो वो आदत उसकी एक दिन में एकदम से नहीं जाएगी। तो इसलिए पहले दिन अगर आप बिस्तर में 9 बजे भी पहुंच जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहेंगे, पंखे को देखते रहेंगे, चारों तरफ की दीवारें देखते रहेंगे, लेकिन आपको नींद उसी समय पर आएगी जो आपका नॉर्मल टाइम रहेगा, जो भी आप नॉर्मल टाइम पे 11:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोते हैं। तो दोस्तों जिस दिन से आप जल्दी उठना चाहते हैं उसके पहले वाली रात में आप जो नॉर्मल टाइम है, जिस नॉर्मल टाइम में आप सोते हैं उसी नॉर्मल टाइम पर आप सोइए, लेकिन अगले दिन सुबह के लिए आप अलार्म लगा लीजिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा सुबह उठने के लिए आप सुबह 6:30, 5:30 ना जाग के और जल्दी जागें 4:30, 4 बजे, क्योंकि आप जितनी जल्दी जागेंगे उतनी ही जल्दी आपको रात में नींद आएगी। और हाँ, अगर जिस दिन आप जल्दी पहली बार आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो उस दिन पूरे दिन आप दिन में बिल्कुल भी नींद ना लें, दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। सुबह बहुत जल्दी जागने से आपको रात को भी बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, आपका शरीर खुद चलकर अपने आप ही आपको बिस्तर की तरफ ले जाएगा और आप सो जाएंगे। तो आप सुबह जल्दी उठें दोस्तों, पहली बार सुबह जल्दी जगने के लिए आप पिछली वाली रात में अलार्म लगाइए। तो दोस्तों जिस दिन भी आप सुबह जल्दी उठने का सोच रहे हैं उसके पिछली वाली रात में आप अलार्म लगाएं। आप अगर 4:30 बजे सुबह उठने का सोच रहे हैं या 5 बजे सुबह उठने का सोच रहे हैं तो पहला अलार्म 5 बजे, फिर 5:01 पर, 5:02 पर, 5:03 पर, 5:05 पर ऐसे आप अलार्म सेट करें। दोस्तों स्नूज बटन आप सेट मत करिएगा, उसको ऑफ रखिएगा। स्नूज बटन को ऑफ करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 15 मिनट का स्नूज सेट कर लेंगे और 15 मिनट का जैसे ही अलार्म बजेगा आपका, आप स्नूज बटन को दबा देंगे और फिर 15 मिनट बाद आपका अलार्म बज उठेगा। उस 15 मिनट के बाद जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान नहीं पाएंगे, उस 15 मिनट में आप ज्यादा नींद नहीं ले लेंगे, उस 15 मिनट में आप ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ नहीं उठेंगे। आप अपने दिन की शुरुआत ही स्नूज के साथ कर रहे हैं, आप अपने दिन की शुरुआत ही टालने के साथ कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे दिन में भी स्नूज का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि लोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे किसी को एक्सरसाइज या जिम शुरू करना होता है नेक्स्ट डे से, तो नेक्स्ट डे आता है तो फिर वो अपने दिमाग का स्नूज बटन दबाता है कि वो आज नहीं कल से शुरू करेगा, फिर कल आता है फिर वो दिमाग का स्नूज बटन दबाता है तो वो कहता है कल नहीं, हम कल से शुरू करेंगे। जैसे कोई किताब पढ़ने का संकल्प लेता है कि आज से वो किताब पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन उसके दिमाग का स्नूज बटन दबता है और वो कहता है चलो छोड़ो यार, आज नहीं कल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कोई ऑयली फूड ना खाने का संकल्प लेता है, लेकिन जैसे ही वो समोसे या बर्गर देख लेता है तो उसके दिमाग का स्नूज बटन दबता है कि आज खा लेते हैं, अगली बार से हम इस खाने को नहीं खाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह दिन की शुरुआत में ही आप स्नूज बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी स्नूज बटन यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका, आप जिस दिन पहली बार सुबह जल्दी उठना चाहते हैं आप अलार्म सेट करें, तो आप 1-1 मिनट के अंतराल पर आप अलार्म सेट कीजिए, और आप 1 मिनट में ही नहीं सो जाएंगे, इसलिए मैं 1-1 मिनट का अंतराल पर अलार्म सेट करने की आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों पहला तो ये तरीका है कि आपने 1-1 मिनट के अंतराल पर अलार्म सेट कर लिया और उस अलार्म से आप सुबह जाग गए। तो दोस्तों सुबह जाग कर आप जो भी करना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, जिम जाना चाहें, वो आप करें और पूरे दिन मेहनत करें, दिन में बिल्कुल भी ना सोएं, अगर आप सोते हैं तो दिन में ना सोएं, और फिर देखिएगा आप रात को आपको अपने आप ही जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। दूसरा दोस्तों सुबह जल्दी उठने के लिए आप अगले दिन सुबह के लिए कुछ ज़रूरी काम सोच लें, कुछ टारगेट सोच लें। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हैं और आपने आपका एग्ज़ाम कल है तो आपने 1 दिन पहले पूरी पढ़ाई कर ली है, तो आप रात में ये सोच लें कि आपको अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उस आपने जो पढ़ा है उसको रिविज़न करना है, तो इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा, आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। या जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है, अगले दिन हमारी सुबह सुबह ही ट्रेन होती है, तो आपने देखा होगा आपके घर वाले, आपकी मम्मी सुबह सुबह ही अगर 4 बजे की ट्रेन है तो वो 2 बजे सुबह जाग जाती हैं, 2:30 बजे जाग जाती हैं,
क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है कि उन्हें सुबह कहीं जाना है। तो इसलिए आप दिमाग में टारगेट सेट कर लें, जो भी काम आपको अच्छा लगता हो या जो काम आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो, वो काम आप पिछली रात में सेट कर लें दिमाग में कि वो काम मुझे सुबह जल्दी उठकर करना है। जैसे जो लोग डेली अप डाउन करते हैं और उनकी सुबह सुबह की ट्रेन होती है, तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि सुबह मेरी ट्रेन मुझे पकड़नी है, तो उनकी नींद ऑटोमेटिक ही खुल जाती है, अपने आप ही खुल जाती है। तो दोस्तों, आप अगर जल्दी जागना चाहते हैं तो ये एक ये तरीका भी है कि आप अगले दिन के लिए कोई बहुत ज़रूरी काम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए कि आपको ये काम सुबह जल्दी उठकर करना है, तब भी आपकी नींद सुबह जल्दी खुल सकती है। अपने घर के सदस्यों की मदद लें। आपने देखा होगा कई बार हम अपने भाई बहन, मम्मी पापा, पति पत्नी से बोलते हैं कि मुझे कल ज़रूरी काम है, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। दोस्तों, इस तरह से आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी से, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े अक्सर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप उन्हें सुबह जल्दी उठा दें। अपने उन दोस्तों की मदद लें जो सुबह जल्दी उठते हैं। आप अपने उन दोस्तों से जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनसे भी मदद ले सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि जब वह जल्दी उठ जाए तो वह फ़ोन करके मुझे भी जगा दें। आपके जो दोस्त सुबह जल्दी उठकर जिम जाते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि वो मुझे भी सुबह जल्दी उठाए, मैं भी उसके साथ जिम ज्वाइन करूँगा, योगा करूँगा, व्यायाम करूँगा। तो इस तरह से आप उन दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर पर कई सारे ऐप हैं, जैसे अलार्मी ऐप, जिनकी मदद से आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इन ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे ये तभी बंद होते हैं जब आप इनकी पजल सॉल्व करोगे, इनकी कोई कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, इस तरह के आप अलार्मी ऐप से भी आप मदद लेकर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। रात को हल्का भोजन लेना। दोस्तों, अगर आप रात को हल्का भोजन लेते हैं तो हो सकता है आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। दोस्तों, रात में भारी, गरिष्ठ, तला भुना, मसालेदार, ज़्यादा कैलोरी युक्त खाना अगर आप खाते हैं, जैसे पूड़ियाँ, मांसाहारी भोजन आप करते हैं, तो संभावना होगी कि आप सुबह लेट उठें और सुस्ती भी चढ़ जाए। इसलिए रात में हल्का खाना खाएं, नशीले पदार्थों से दूर रहें। रात में सोने से पहले शराब, सिगरेट, बियर आदि तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। अगर आप अक्सर नशीली पदार्थों का सेवन रात में सोते वक्त करते हैं तो इस तरह आप सुबह कभी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको देर रात तक नींद नहीं आती है तो आप कोई अच्छी किताब तब तक पढ़ते रहें जब तक कि आपको नींद ना आए। दोस्तों, इसी तरह से आगे भी मैं और वीडियो लाऊंगा अपनी इस सुबह जल्दी उठने की सीरीज पर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।